ये कौन कौन जो है वो आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहता है, रूहानी तौर पर बढ़ना चाहता है, अपने तोड़ों में अपने अंदर जो खुदा ने कुवत रखी है, कौन कौन चाहता है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और कौन कौन दो रोज दुआ करता है, प्रभु मैं आत्मिक तौर पे बढ़ना चाहता हूँ, मैं रूहानी तौर पे बढ़ना चाहता हूँ, जो रोज दुआ करते हो? ओह प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र करते हैं। हमारे पास बहुत सारे मंगते मौजूद हैं। ऐसी दुआएं बंद कर दे रोज जो मांगना है कि खुदावंद खुदा मैंने रोज आत्मिक तौर पे बढ़ना है, आत्मिक तौर पे बढ़ना है। बंद कर दे ये दुआएं। जानते हैं क्यों? अगर हमें आत्मिक तौर पे रूहानी तौर पे बढ़ना है तो इस तरह की दुआएं बंद करनी है। हमें रोज दुआएं मिलती हैं कि आप दुआ करें कि मैं आत्मिक तौर पे बढ़ जाऊं। भाई मैं क्यों दुआ करूं आपके लिए कि आप आत्मिक तौर पे बढ़े? मैं नहीं करूंगा, मैं टारगेट के साथ चलूंगा, क्योंकि आत्मिक बढ़ोतरी एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी के स्टेप है, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है, फिर चौथा स्टेप है, पांचवा स्टेप है, छठा स्टेप है। लोगों के माइंड में एक बात बैठी हुई है और वो क्या है हमारे मसीहों के माइंड में? इट्स लाइक इंस्टेंट कॉफी, मैं पैकेट पकड़ूंगा, काटूंगा और डाल दूंगा और बीच में पानी मिक्स करूंगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी शुगर भी होती है, कॉफी भी होती है, दूध भी होता है, मुझे सिर्फ डाल के घोलना होता है। आत्मिक बढ़ोतरी कभी भी ऐसी नहीं है और ना होगी कभी। हमारे टारगेट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। कल रात को हमने अधिकार अथॉरिटी पे सीखा, हमें मालूम ही नहीं है कि अधिकार अथॉरिटी पावर उसके अंदर जो है, इख्तियार जो उसके अंदर है, उसकी किस्में कितनी है और हमें किस किस्म को कब इस्तेमाल करना चाहिए, हमें नहीं पता। हमें ये पता है अधिकार है, आए प्लीज दूर हो जा, आए शैतान दूर हो जा, वो जानता नहीं, खड़ोता रहता हंसता रहता, मैं नहीं जानता। टारगेट के साथ आत्मिक बढ़ोतरी होती है। कैसे? सबसे पहले प्रभु मुझे विजडम, हिकमत, बुद्ध चाहिए, पुत्र आत्मा के द्वारा, कलाम के द्वारा। दाऊद इसीलिए कहता है कि मुझे अपने वचन के द्वारा बुद्ध बख्श, मुझे अपने कलाम के मुताबिक हिकमत अदा कर, गिव मी द विजडम अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड, जबूर 119 में। हम तोड़े मांग रहे होते हैं, हमारे अंदर ये तोड़ा भी आ जाए, हमारे अंदर ये तोड़ा भी आ जाए, मुझे विश्वाणी भी आ जाए, मुझे कलाम भी आ जाए, मुझे इंटरप्रिटेशन भी आ जाए, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा एक्चुअल तोड़ा कौन सा, हमारे अंदर तोड़ा काम कौन सा कर रहा है। क्या वर्शिप के तोड़े के साथ अगर आप वचन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो क्या नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आपको वर्शिप में तो उस लेवल पर आना है, अपने उस तोड़े को मैं पहले प्रॉपरली ऑपरेट करना है कि जब आप गीत गाएं, जब आप भजन गाएं, तो जो लोग आपके साथ मिलके गा रहे हैं, पाकरू की सामर्थ, अभिषेक, मसा उनके ऊपर आ जाए, और वो डांस करने की बजाय दर्शन देखें, वो डांस करने की बजाय कलाम को लें, वचन को लें। वो डांस करने की बजाय भिषवाणी करें, वो डांस करने की बजाय अपनी हीलिंग ले लें। इतनी सामर्थ होनी चाहिए एक वर्शिपर के अंदर, और मैं रोज कहता हूं ये, क्या ये टारगेट्स रख के हम प्रार्थनाएं करते हैं कि खुदावंद खुदा ये चीज मुझे चाहिए और तेरे वचन के मुताबिक है, मुझे दे ताकि तेरा नाम जलाल पाए। आई एम सॉरी, मैंने मंगते कहा है आप लोगों को, बट द पॉइंट इज दैट हाँ, हमारी दुआएं ऐसे ही हैं। मुझे बढ़ना है, मुझे ओके बढ़ना है, बट यू आप अपनी एजुकेशन में जब स्कूल में होते हैं ना, पहले किंडरगार्टन में जाते हैं, फिर उसके बाद आप प्रेप क्लास में चले जाते हैं, फिर वन में जाते हैं, फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। सो बढ़ रहे हैं ना आप स्टेप बाय स्टेप। तो आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर भी हमें बढ़ना है, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा।
बट हमें ये समझ नहीं है, ये विजडम हमारे अंदर है नहीं है। क्यों? सिखाने वाले सिखाते नहीं है प्रॉपर, और सीखने वाले सीखने को तैयार नहीं है, वाइस वर्सा है। अगर कोई सिखाने वाला है तो सीखने के लिए तैयार नहीं है, और अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो सीखने वाले मौजूद हैं, उन्हें नहीं पता क्या करना है। ये भी डिपेंड करता है कि आप अपने नाम को मांग रहे हैं या यीशु के नाम को जलाल महिमा देने के लिए सारा कुछ मांग रहे हैं। तो याद रखिए, अगर आपका तोड़ा उसके अंदर आप प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करते हैं, अगला तोड़ा, अगली अगली ग्रेस आपको नहीं मिलती है, अगला अनुग्रह आपको नहीं मिलता। और अगर आप हर आदमी के अंदर तोड़ा, अगर कोई आदमी अपने तोड़े के अंदर ऑपरेट नहीं करता तो उसको हिसाब देना पड़ेगा, जितना भी कोई कर सकता है, चाहे थोड़े टाइम के लिए कर सकता है, जरूर करें। और ये जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। मत्ती की अंजील 25 अध्याय 14 से 30 में गौर से सुनिएगा। मत्ती की अंजील 25 अध्याय 14 से 30 बाद में पढ़ लीजिएगा। यीशु ने एक तमसील दी, धारणा दी, एक मिसाल दी, और उसमें बोला, पैराबल दिया कि एक शख्स मालिक था, वो जाने लगा तो अपने 3 नौकरों को तोड़े देकर गया। पहले को वो देकर गया 1, दूसरे को 5, तीसरे को 10। जब वो वापस आया तो उसने हिसाब मांगा। 10 वाले ने कहा मैंने और बढ़ा दिए। उसने कहा आजा, अच्छा नौकर है तू, आ जा। सॉरी, 1 को 5 दिए, 1 को 2 दिए, 1 को 1 दिया। जिसको 5 दिए थे उसने 10 कर लिए, और जिसको 2 दिए थे उसने 4 कर लिए, और जिसको 1 दिया था उसने ला के वही तोड़ा वापस दे दिया। उसने कहा मालिक मैंने छुपा के रखा तेरा तोड़ा। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि मुझे था कि कोई छीन ना ले या गुम ना हो जाए,